शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव बुड़दा में सोमवार की रात करीब 2 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में सो रहे वृद्ध दंपति में से पति की आग से जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी के हाथ आग में झुलस गए। गोवर्धन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को इलाज के लिए बेरार अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। सोमवार की रात करीब 2 बजे गोवर्धन थाना पुलिस गश्त पर बुड्डा गांव पहुंची तो देखा कि आदिवासी बस्ती में एक झोपड़ी में से आग की लपेटें उठ रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों को एकत्रित कर आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, जिस पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। लेकिन तब तक झोपड़ी में सो रहे बुजुर्ग श्याम आदिवासी की आग में जलने से दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।